हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया हियर। कैसे आप सब? मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो लेके, और आज का जो वीडियो है वो हेयर केयर के ऊपर होगा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि मैंने बहुत सारे इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस डाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलती हूँ, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट हो जाती है स्किन, साथ साथ हेयर भी हो जाती है। एंड आई रियली मतलब डेस्परेटली आई नीड अ हेयर केयर। तो और फेस्टिव सीजन भी है, दिवाली है, काली पूजा है, एंड वो मतलब इतने सारे फेस्टिवल में मुझे अपने हेयर को तो चमकाना है ही है। और आई वॉन्ट इट टू बी यू नो वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट। और मैं ऑरिगन्स का जो ऑनियन ऑयल है वो तो यूज़ कर ही रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और उसके साथ साथ मैं आज हेयर मास्क भी अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने इतने सारे जो इंटीरियर के काम किए हैं और इतना ज़्यादा मेरे हेयर पे स्किन पे प्रेशर गया है, तो उसके लिए आई नीड अ मास्क ऑल्सो। तो ऑयलिंग तो मैंने कर लिया है और अभी मैं मास्किंग करूंगी ताकि मेरे हेयर को और एक्स्ट्रा केयर मिले। तो आज जो मैं यूज करने वाली हूँ अपने हेयर मास्क के लिए वो है ऑरिगन्स का आमला पाउडर, ऑरिगन्स का रिठा पाउडर और ऑरिगन्स का शिकाकाई पाउडर। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया ही था कि ऑरिगन्स इज टोटली नेचुरल एंड प्योर, इसमें कोई भी केमिकल्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट एवर। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप कोई भी एक यूज करके मास्किंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये तीनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन है उसे यूज करते हो तो ऑब्वियसली आपके हेयर को और ज्यादा नरिशमेंट मिलेगी और ज्यादा केयर मिलेगी आपके हेयर को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये तीनों एक ही साथ, ये डेडली कॉम्बिनेशन जो है ना, इसे आप अप्लाई कीजिए अपने हेयर पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमें इसको किस तरह से हेयर पे अप्लाई करना है। उससे पहले आपको इसको किस तरह से बनाना है, एंड दिस आर सो हैंडी, इफ यू सी द प्रोडक्ट यू विल अंडरस्टैंड हाउ नेचुरल इट इज। सी, है ना, बिल्कुल नेचुरल। शिकाकाई पाउडर, तो विल टेक टू स्पूंस। ठीक है, माय स्पून इज बिग, थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उतना ही ले रही हूँ। नेक्स्ट हम लेंगे आंवला पाउडर। ओह माय गॉड, दिस इज रियली स्मेलिंग, टोटली लग रहा है कि शिकाकाई मैंने अभी मतलब पेट से तोड़ के लाया है, रियली बता रही हूँ। रेटा वाला भी जो मतलब दिस इज सो नेचुरल, सीरियस, वाओ आंवला। एंड नाउ मैं इन तीनों को, ये देखो, इन तीनों को अच्छी तरह से पहले थोड़ा मिला लेती हूँ, ड्राई में ही मिला लेती हूँ। है, सो आई विल मीट यू आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, वॉश कर लूंगी हेयर एंड उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाने वाली हूँ। तो गाइज, आज है डे टू और कल मैंने अप्लाई किया था ऑरिगेंजा का रिठा आमला शिकाकाई का जो पाउडर पेस्ट था, मेरे हेयर कितने ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट और कितने हेल्दी दिख रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। देखो कितना शाइन है, वैसे भी मेरे हेयर पे कलर किया हुआ है, कितना डैमेज्ड था मेरा हेयर और डेस्परेटली मुझे ज़रूरत थी एक अच्छे हेयर मास्क की, जो मुझे यू नो बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट दे मेरे हेयर को और स्ट्रॉन्ग बनाए, हेल्दी बनाए। तो आई कैन फील कि एक ही यूज़ में हेयर फॉल ना बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा है, एंड साथ ही साथ इतनी फ्लफी और इतना स्मूथ एंड सॉफ्ट लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस सा आ गया है खुद से मतलब हेयर के ऊपर। एंड अभी मैं आराम से हेयर ओपन करके जा सकती हूँ एंड यू कैन सी द शाइन, यू नो यू कैन सी द शाइन वेरी नाइसली, आप देख सकते हो, ये देखो, यू कैन जस्ट सी माई हेयर, यहाँ पे इतना कलर किया हुआ है, स्ट्रेटनिंग किया हुआ था हेयर पे। आपको पता है ये स्ट्रेटनिंग अगर करते हो हेयर पे तो हेयर जरूर डैमेज होता है, तो ये मतलब दिस इज द ट्रूथ। और स्ट्रेटनिंग के बाद आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है और नेचुरल चीज़ों से तो केयर करना ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने चॉइस किया है ऑरिगन्स का नेचुरल
प्योर, जो बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है उसमें, बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं है, एकदम नेचुरली जैसे कि हम घर में बनाते हैं उस तरह से ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। मुझे ज़रूर बताइए कि आपने अगर ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है एंड आप देख ही सकते हो मैं कितनी खुश हूँ यूज़ करने के बाद, इट इज़ लुकिंग सो गुड। और हेयर ग्रोथ में भी ये ज़रूर हेल्प करेगा क्योंकि आंवला है, शिका का ये रिठा है। तो यही था मेरा रिव्यू फॉर ऑरिगन्स प्रोडक्ट्स। चलिए अभी घर घर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो भी एक बेडरूम का ही है, तो चलिए जाके देख लेते हैं झटपट से घर घर सीरीज का ये वीडियो। ओके गाइज, तो चलिए मैं आपको दे देती हूँ होम टूर। ये है उनका बेडरूम, ये दरवाज़ा है, यहाँ से जब भी आप एंटर करते हो तो आपको ये टीवी दिखेगा यहाँ पे, एंड देन नीचे टीवी स्टैंड है एक, और इधर एक साइड में अलमारी काइंड ऑफ बना हुआ है, ऊपर एक्वेरियम रखा हुआ है, और टीवी इन्होंने विंडो को क्लोज करके उस पर ड्रिल करके लगाया हुआ है। एंड देन यहाँ पे आप जैसे एंटर करते हो यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे दो चेयर्स उन्होंने एक साथ स्टैक करके रखा हुआ है। ऑपोजिट साइड में है दो अलमारी बैक टू बैक और एक वॉल अलमारी भी इधर है जो बहुत अच्छा है। ओके तो ये विजन आता है आपको जब भी आप एंट्री करते हो, तो आपको ये बेड यहाँ पे इस तरह से दिखेगा और दो अलमारी जो है यहाँ पे बैक टू बैक आपको दिखेगा इस तरह से, और ये छोटा सा विंडो है, एंड देन ये बेड है जो छोटा सा है, एंड देन इस तरह से ये रखा हुआ है। तो दूसरा वॉल जो है बेड के साथ एडजेसेंट जो लगा हुआ है, आई एम सॉरी, मतलब कोई डिसीज्ड पर्सन है उनके घर में, उनका फोटो उन्होंने यहाँ पे रखा है, एंड फिर उन्होंने यहाँ पे फ्लावर मतलब रखा है, अच्छा है, दिस इज़ नाइस। एंड देन यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पे उन्होंने एक अम्ब्रेला रखा हुआ है, सो दिस इज़ इट। तो ये है वो वॉल अलमारी जिसके बारे में बोल रही थी, इट इज़ नाइस। एंड देन यहाँ पे एक्वेरियम रखा हुआ है अलमारी, सो दिस इज़ प्रिटी मच इट उनका रूम। तो चलिए मैं फटाफट से अभी मेकओवर का सोल्यूशन दे देती हूँ उनको। सबसे पहले आपको आपके घर को पेंट ज़रूर से करवाना है, उसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर आप पेंट नहीं करवाती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, नया फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगा। सो प्लीज़ एकदम अच्छी तरह से एक प्राइमर करवाइए पहले, एकदम अच्छे से कोटिंग करके प्राइमर करवाइए। नेक्स्ट आपको इसके ऊपर बिल्कुल वाइट कर देना है आपके रूम को, और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्लेन वाइट आपको करना है। इससे आपके रूम को जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखेगा, बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा आपको, एंड आपकी विंडोज़ भी नहीं है, बिल्कुल छोटे से दो विंडोज़ है, तो आपको लाइट सोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यू हैव टू यूज़ ओनली वाइट पेंट। फाइन, नेक्स्ट आपको बेड को इस तरह से नहीं करके मिडिल में लाना है, मतलब ये पॉइंट में आपको बेड रखना है, एंड आपको दोनों साइड में दो स्टील अलमारी जो है उन दोनों को रखना है, एंड बीच में बेड रहेगा। नेक्स्ट इस वॉल पे आपको जो टीवी आपने विंडो को क्लोज करके ड्रिल करवाया हुआ उसको आपको यहाँ पे लाके इस वॉल पे लगाना है, ताकि आप स्ट्रेट जब बेड से सो रहे हो तो आप उसको टीवी को एंजॉय कर सको। और यहाँ से ये प्लास्टिक टेबल वाला जो सेट है हट जाएगा, हट के आपके इस पोजीशन में आ जाएगा आपका प्लास्टिक टेबल। यहाँ पे तीन चेयर्स आप रख सकते हो, थ्री सिटिंग आपके बन जाएंगे यहाँ पे। ये चीज़ें आपको हटा देनी है, आई एम वेरी सॉरी टू से यू हैव टू रिमूव दिस टू, आप एडजस्ट नहीं होगा, जगह नहीं निकल रहा है आपके रूम पे, तो आपको ये हटा देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए तो कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड ये एक्वेरियम को आप यहाँ पे वॉल पे ना साइड शेल्फ कॉर्नर शेल्व्स मिलते हैं उसको ड्रिल करके उसके ऊपर रख दो, आप जितना फ्लोर खाली रखोगे ना उतना स्पेस आपको दिखेगा। तो ये दोनों आप जब हटाओगे आप बोलोगे कि मुझे रखना ये सामान सब मैं कहाँ रखूँगी, आपको ऊपर स्पेसिफिकली ना आपको स्टोरेज अलमारी बनानी है, और ये आपको मस्ट है करना ही है। तो जितना भी क्लटर्ड फील हो रहा है ना आपके रूम में, वो सारी चीज़ें आपके वो वॉल अलमारी में चले जाएंगे,
करेंगे, आपका फ्लोर स्पेस भी नहीं जा रहा है, आप वॉल पे बना रहे हो, ऊपर वाला स्पेस आप यूज़ कीजिए क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका जो वॉल स्पेस है बिल्कुल वैकेंट है। एंड अगर स्पेस की कंस्ट्रेंट होती है तो यू शुड अप्लाई योर आइडियाज़ फॉर योर वॉल्स और वॉल पे यूज़ कीजिए सारे आइडियाज़। तो ये हो गया आपका, वॉल अलमारी बना देंगे, ऊपर यहाँ पे शेल्फ्स, तो सारे जो सामान चले जाएंगे ये दोनों हटा दीजिए यहाँ से, दिस प्लेस विल गेट वैकेंट, ये प्लास्टिक टेबल यहाँ पे आ जाएगा, थ्री सीटिंग यू विल गेट हियर, वैक्यूरियम यहाँ पे साइड शेल्फ में आ जाएगा। आपका वॉल अलमारी जो है इसको आपको अच्छी तरह से थोड़ा डेकोरेट करना है एंड यू हैव टू गिव इट अ मेकओवर, अंदर अच्छी अच्छी डेकोरेटिव सामान रखिए एंड ये सोफ़ा वगैरह यहाँ से हटा दीजिए, जितना कम सामान रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। Now I'll talk about your furnitures. Furniture को आपको एक सेट बनाना है, मतलब स्टील अलमारी को आपको वॉलपेपर लगा के कवर अप कर देना है, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है, आप जाइए मेरे चैनल पे देखिए, वहाँ पे मैंने किस तरह से एक पुराने स्टील अलमारी को बिल्कुल नया जैसा लुक दे दिया है बाई यूजिंग वॉलपेपर, आप वो ट्यूटोरियल वहाँ से देख लीजिए, वैसा कीजिए। एंड ये मतलब जो है ना ये शेल्फ इसको हटा के यहाँ से यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस नाउ व्हेन यू पुट योर ड्रिल योर टीवी हियर, तो ये वॉल आपको मिल जा रहा है बिल्कुल से, वो जो शेल्फ है वो आपको उठा के इस वॉल पे ड्रिल करने, साथ ही साथ आप अपने वॉल पे बहुत कुछ ड्रिल करके डेकोरेट कर सकती है, आपको जो भी पसंद है आप अपने फैमिली मेमोरीज भी ड्रिल कर सकते हो फिर पिक्चर्स का, या फिर आप कोई भी वॉल हैंगिंग या फिर कुछ भी जो वॉल स्टैचूज होते हैं उसे लगा सकती है, या फिर अमेजोन से वॉल शेल्स मंगा सकती है जहाँ पर आप सेंटेड कैंडल्स वगैरह लगा सकते हो। अभी आ जाती हूँ मैं आपके विंडोज़ पे, तो विंडो को आप बढ़िया सा एकदम वाइट शियर कर्टेन से सजाइए, फुल डोर लेंथ का विंडो कर्टेन लीजिए एंड अपने बेड को भी आपको वाइट बेड कवर लगाना है, पिलोज नए खरीद लीजिए, साइड पिलोज भी नए खरीद लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए एक अच्छे से मैट्रेस पे और कुछ छोटे छोटे कुशंस खरीद लीजिए, जैसे मैं डेकोरेट करती हूँ अपने बेड को, आप जाइए वहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिल जाएगा, बेड को किस तरह से डेकोरेट करना है उस तरह से डेकोरेट कीजिए। एंड यहाँ पे जब आप टेबल लगाओगे नीचे एक प्यारा सा रग दे दीजिए, राउंड रग रख दीजिए, उसके ऊपर प्लास्टिक टेबल को सेट कीजिए, टेबल के ऊपर एक अच्छा सा बढ़िया सा टेबल क्लॉथ लगाइए, प्लास्टिक के चेयर्स को अच्छी तरह से क्लीन करके रखिए, टेबल के ऊपर जस्ट एक वास रख दीजिए कुछ फ्लावर्स के साथ एंड एक जग रख दीजिए, पानी के बॉटल्स आप किचन में शिफ्ट कर दीजिए एंड और अगर आप नहीं शिफ्ट करना चाहते हो पानी के बॉटल्स तो आप ये जो विंडो है ना बेड के सामने उसमें आप रख दीजिए एंड दैट्स प्रीटी मच इट, आपको और कुछ भी नहीं करना है आपके रूम में, आई थिंक दिस इज द ईजिएस्ट सोल्यूशन एंड विद इट इट्स बजट फ्रेंडली, यू विल सी अ वास्ट डिफरेंस इन योर रूम एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। So yes, this is all what you have to do for your room and please send me the pictures once you are done in my Instagram. My Instagram ID is Riya's Collection. So chalo guys, keep on sending me your queries for Ghar Ghar series. I'll be waiting for all your pictures. तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं लाती हूँ बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एंड बजट फ्रेंडली वीडियोज, बी इट एनी थिंग एंड जो हम और आप जैसे साधारण से इंसान ट्राई कर सकते हैं कर सकते हैं उसी तरह का वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, वी विल रिलेट विद ईच अदर, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर जाए, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप उस वीडियो को देख सको। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है रियाज कलेक्शन, सो गो एंड फॉलो मी, लेट्स स्टे मोर कनेक्टेड एंड यस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप डेकोरेटिंग एंड कीप डूइंग मेकअप, बाय, गॉड ब्लेस ईच ऑफ यू ऑल।